हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हंगरी सिंह की एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम दोबारा से आ गए हैं स्टूडेंट अड्डा पे, जहां हम पहले भी वीडियो कवर कर चुके हैं। एक्चुअली उन्होंने नए मेन्यू में कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई हैं उनके यहाँ पे, तो हम वही कवर करने आए हैं आज। क्या क्या चीज़ें उन्होंने नई लॉन्च की हैं हम देख लेते हैं और खाएँगे, आपको दिखाएँगे वहाँ पर क्या क्या नया मिल रहा है और रिव्यू देंगे आपको वहाँ का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये इनके देखो मोमोज बन रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इनके पनीर मोमोज। और अब ये भी बता दें कि शायद आपने जो कार्ट है पूरा का पूरा वेज कर दिया है ना। या इट्स ओनली 100% वेज नाउ। ओके जी, वेज हो चुका है दोस्तों अब ये बर्गर। तो आप बिना टेंशन के आइए एंड आराम से खाइए, कोई नॉन वेज वाला काम ही नहीं यहाँ पे। ये देखिए बर्गर है, अमूल बटर चला गया जी, और ये चला गया जी बर्गर का बेस एंड ये पूरा बन चला गया, और बटर, ये काफ़ी बटर ही होने वाला है। क्या बात है, लोडेड है मतलब अच्छा खासा। अच्छा प्राइस की बात करें तो कितने का है ये? 60 रुपीज़ का है आलू टिक्की बर्गर। 260 रुपीज़ का है ये। एंड ये जी आपका भैया द्वारा स्वागत है दूसरी ब्रांच में। हंगरी सिंह यूट्यूब चैनल नेम है भैया का। अब भैया दोबारा आए हैं हमारे पास, कुछ हमने नए आइटम इंट्रोड्यूस करे हैं, जैसे आपके कांठी रोल हो गए, आलू टिक्की बर्गर हो गए, ड्रिंक्स में रोज़ वाटर है, आम पन्ना है। अब भैया को वैसे पता था ग्रेवी वाले मोमोज हमारे ओफिला मिर्ची मोमोज जो पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं, और कुछ नए चेंजेस जो हमने किए हैं। आपका स्वागत है, अब बेहिचक होके आइए। अब हमने जो बंदे नॉनवेज के चक्कर में नहीं आते थे वेज खाने, अब वो बेहिचक होके आ सकते हैं नई चीज़ खाने वेज में, जैसे कांटी रोल्स हैं और ये सब। स्टूडेंट्स अड्डा पे दोबारा आ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इन्होंने जो ऐड किया है ये देख सकते हैं, बर्गर ऐड किया है, सब्जी बर्गर मोमोज और शाकाहारी बर्गर किया है ऐड, पनीर समोसा बर्गर मोमो आलू टिक्की बर्गर एंड एक्स्ट्रा चीज़ लेते हैं तो 20 रुपीज़। काठी रोल्स भी ऐड किए हैं जो कि है इनका पनीर रोल 60 रुपीज़, सोया कीमा रोल 70 एंड एक्स्ट्रा चीज़ अगर डलवाते हैं तो 20 रुपीज़, और विद अमूल बटर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ें इन्होंने ऐड किए, साथ में कोई ड्रिंक्स भी ऐड किए हैं लाइक आम पन्ना और विदाउट सोडा, विद सोडा एंड रोज़ वाटर, विद सोडा एंड विदाउट सोडा। ओके ये देख सकते हो इनका नया कार्ड भी है, ये कुछ चेंज हुआ है पुराने कार्ड से इसमें। ये देखिए आप, ये आ गया जी आपका स्टूडेंट अड्डा, आओ कभी अड्डे पर। दोस्तों ये भी बता देंगे इन्होंने अपना जो आउटलेट है वो डिफरेंट जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है, डॉक्टर चेतन चंद्रा के सामने ग्लोरी एडवर्टाइजमेंट के पास अब शिफ्ट कर दिया वहाँ से। और टाइमिंग ब्रांच है हमारी, अच्छा तो टाइमिंग ये है कि 4 बजे के बाद आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो दूसरी ब्रांच है मतलब पहली ब्रांच कहाँ है? पहली वही है सिविल लाइंस बाटा चौक के सामने जो अभी स्टार्ट नहीं हो रखी है। अच्छा अभी सेकंड ब्रांच इनकी अभी चल रही है एंड फर्स्ट ब्रांच अभी जो जिसमें हम पहले जा चुके वो अभी चली नहीं है। ये दोस्तों देख सकते हो ये सीख चुके हैं एकदम, आप देख सकते हो एकदम रेड हो गया है, ये मार्क्स भी आ गए हैं इसके ऊपर। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखो दोस्तों, अब दोस्तों ये इनकी स्पेशल चटनी है, आई थिंक ये स्पेशल चटनी आपकी पुरानी वाली है या कुछ आपने नई बनाई है? ये वही है, सेम है। ओके अच्छा, पुरानी स्पेशल चटनी जो इन्होंने बनाई थी ये रेड चिली चटनी चलेगी दोस्तों। अब हमारी जाएगी क्रिस्पी आलू टिक्की। ओके जी क्रिस्पी आलू टिक्की चली गई, चाट मसाला ये गया जी, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट चला गया, ये जा रहा है जी। अब यहाँ इसमें चलेगा हमारी सैलेड जो ओके सैलेड डलेगा। ये दोस्तों देख सकते हैं, दिखाएंगे जरा कैसा है सैलेड। ये हमारा सैलेड है। ओके किस क्या क्या वेजीज हैं इसके अंदर? इसमें शिमला को पत्ता गोभी, ओके प्याज, अच्छा जी बाकी कुछ स्पेशल मसाले के साथ तैयार जो बता नहीं सकते। ये कैचअप चलेगी दोस्तों, लोडेड हो चुका है ये, वाह जी वाह, ये हो गया तैयार, आप देख सकते हो रेडी टू ईट हो गया अभी, अब खाएंगे। ये जा रही है इसकी स्टफिंग, तो ये पनीर गाड़ी रोल बन रहा है, ये जा रही है इसकी स्टफिंग, आप देख सकते हो ये चली गई है इसमें टोटली। आपको कितने मिनट के लिए इसको रखेंगे? 2 मिनट के लिए गर्म कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए दोस्तों इसको गर्म करा जा रहा है, इसके अंदर वेजीज भी डली हुई है ना, ये चला गया जी इसके अंदर बटर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी फोन आया जी,
इनके जो इन्होंने ये क्या कहेंगे इसको हम, ये काठी रोल है। अच्छा ये इन्होंने रोल है, ये पहले से बना के आते हो? ये रुमाली रोटी है। अच्छा ये रुमाली रोटी है दोस्तों, इसे काठी रोल बोलते हैं। ओके इस पे जो स्टफिंग है ना वो एक्चुअली वो डाली जाएगी एंड उससे तैयार होगा हमारा काठी रोल। ये चला गया जी, ये देखो क्या बात है, ये दोस्तों पनीर इस पर डाल दिया गया है। चेक दिस आउट, डाल दिया हमारा पनीर। अब इसमें जाएगी हमारी सैलेड, इसके ऊपर अब जाने लगी इनकी सैलेड। स्पेशल सैलेड बनाई है इन्होंने, सीक्रेट है इनकी अपनी। सैलेड गई, ये चली गई जी सैलेड। ठीक है अब इसमें गई थोड़ी स्पाइसी के लिए रेड चिली। दोस्तों स्पाइसी के लिए चली गई इनकी स्पेशल चटनी है ये, और ये रहा हमारी सीक्रेट। ओके स्पाइसी के लिए पहले इन्होंने डाल दी अपनी चटनी एंड उसके बाद अब जा रही है इनकी स्पेशल सॉस। ये गई है वाइट मायो, वाइट मायो चली गई है जी। अब ये जाएगी इसमें हमारी थोड़ी सी तंदूरी सॉस, थोड़ी सी तंदूरी मायो, तंदूरी मायो चली गई इसके अंदर। ये हमारा बन गया तो ये हो चुका है रेडी काठी रोल। अगर प्राइस की बात की जाए तो कितने का है ये? 60 रुपीज़ का है 200, जस्ट 60 रुपीज़ का है एंड लोडेड, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा लोडेड है, एक खाए तो बंदा पेट फुल हो जाए। 200 यहाँ फिर से बटर चला गया बिकॉज इसको अभी करने लगे हैं थोड़ा सा फ्राई करेंगे ना इसको, सेकना है एक्चुअली, इसको सेकेंगे थोड़ा क्रिस्पी बनाने वाले हैं इसको। ये बटर डाल दिया गया है, बटर लगेगा अभी तो। ओके बटर लग रहा है जी, और चला गया बटर। दो मिनट, अब 5 मिनट तक सेक करेंगे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इनकी कार्ट आप आज भी देख सकते हो वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल एकदम ऐसे नीट एंड क्लीन, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा मतलब अनहाइजेनिक वाली कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ हाइजेनिक है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों ये देख सकते हैं क्रिस्पी हो रहा है, इसके ऊपर जो मार्क्स आ चुके हैं ना, ये थोड़ा सा जो रेडनेस आ चुकी है आप देख सकते हो, बढ़िया लग रहा है। ये देखिए जी बहुत ही सही डिश आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है ये देखिए। पनीर वाले हाउस में सर्व होने वाला है। ओके जी दोस्तों अब ये हो चुका है हमारा रेडी एंड अब टाइम है इसका सर्व करने का। और इसके कट कर रहे हैं टू पीसेस में इसको कट कर दिया गया है। चेक दिस आउट, वाह जी वाह, लोडेड है चीज़, आप देख सकते हो पनीर कितना बाहर निकल गया इसको कट करते ही, आइडिया लगा सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्टफिंग इसके अंदर डाली गई है। ये जी ये जी हो गया जी तैयार, और येनो चली गई, चिली फ्लेक्स चले गए। अभी ये गई हमारी रेड चटनी। अच्छा जी ये रेड चटनी आ गई जी, ये स्पेशल चटनी भी आ गई इनकी। चलो जी ये हो चुका है रेडी देखो। तो दोस्तों यहाँ पे बनने लगा है हमारे लिए मॉकटेल, जो कि है आम बन्ना और रोज़ वाटर जो इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है रोज़ वाटर। ओके दोस्तों ये देखो ये चला गया रोज़ वाटर, ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। ओके तो ये विद सोडा है, ये विद सोडा है। ओके आइस डाल चुके हैं, आइस डाल चुके हैं, रोज़ वाटर डाल चुके हैं, ये डाला हमारा सोडा। ये रोज़ वाटर में क्या क्या मिक्स होता है? रोज़ वाटर में हमारी स्पेशलिटी है रोज़ वाटर विद मसाला, समथिंग स्पेशल है, आप इसे ट्राई करिए। बट लोग इसे रोब्जा समझते हैं, ये रोब्जा नहीं है। अच्छा पहली गलतफहमी दूर, ये हो चुका प्रिपेयर हो गया, ये हो चुका बहुत बढ़िया। दोस्तों अब आ चुका है आम पन्ना, ये हमारा डिलीवर्ड लिक्विड जा रहा है आम पन्ना, ये हमारा स्पेशल बना हुआ है। अच्छा देख सकते हो आम पन्ना रोज वाटर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये पूरा प्रॉपर आम का बना हुआ है, ये कच्चे आम से बनता है, कच्चे आम से दोस्तों ये बनता है। ये जाने लगा जी सोडा, ये देखो जी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है एक्चुअली, नहीं है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है आम पन्ना, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है, बहुत ही सही लग रहा है। आप देखो बबल्स कैसे उठ रहे हैं, ये देखो चेक दिस आउट गाइस, ये बहुत ही बेहतरीन, इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया। चलो जी ये हो गया रेडी, ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं पहले से, घर पर प्रिपेयर करके आते हैं और यहाँ जस्ट रेडी टू सर्व। ये हो गया रेडी टू सर्व हमारा, शिवजी रेडी हो चुका, ऊपर लगा दी गई है कैप,
तो आप ट्राई करने लगे इनके आलू टिक्की बर्गर, ये देख सकते हो आप स्टफिंग, ये देखो बहुत मोटी है जो टिक्की है ना, काफ़ी ज़्यादा मोटी लग रही है। और वेजीज देख सकते हो आप इसमें नज़र आ रहे हैं प्रॉपर, काफ़ी सही लग रहा है। तो अब इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। थोड़ा अलग सा टेस्ट है, यूनिक सा वेजीज़ का सारा टेस्ट आ रहा है। लाइक जैसे इसमें अब आपको दिख रहा है कि बीन्स डले गए हैं एंड ये साथ में मटर हैं, टमाटर, सॉरी टमाटर तो नहीं है इसके अंदर, प्याज डला हुआ है, इन सब का पूरा टेस्ट आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, थोड़ा सॉल्टी सॉल्टी टाइप का टेस्ट आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। नई चीज़ इंट्रोड्यूस करिए तो अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। जो उनका स्पेशल चटनी है उसका टेस्ट भी अलग सा आ रहा है, तो ट्राओ ट्राई करो एंड आपको पसंद आएगा। सो बर्गर तो बहुत टेस्टी है ही, साथ में जो इनका अंदाज़ है खिलाने का ना वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। आप इनके पास अगर आएंगे ना तो आपको इनसे बोलते हैं ना अटैचमेंट हो जाएगी, क्योंकि इनका खिलाने का तरीका, जो इनका मेल जोल ये रखते हैं ना उसमें, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एकदम फ्रेंडली वाला एटमोसफेयर मिलेगा, वाइब्स आएंगे एकदम पॉजिटिव वाइब्स। तो आओ ट्राई करो एंड आपकी इनसे, आप जब भी आओगे ना मेरे को लगता है कि आप इनके फ्रेंडशिप आपकी हो जाएगी इनसे, बिकॉज काफ़ी फ्रेंडली बंदे हैं ये। क्योंकि देखो दूसरी बार हम आ रहे हैं, नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज अच्छा था कुछ नया मेन्यू आया था, इन्होंने बोला था कि आओ ट्राई करो, इसलिए हम आ गए। ये लो। कैसा लग रहा है अभी बता दो, बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा है, टेस्टी टेस्टी। फिर से पियोगे? ये फिनिश हो जाएगा तो फिर और पियोगे। यहाँ पे राशि दोबारा से आ चुकी है और रिव्यू देगी, ये देगी आपको। ये हम ट्राई करने लगे हैं आम पन्ना, आम पन्ना का रिव्यू देने वाली है, देखते हैं कैसा है, बताएगी टेस्ट करके। बहुत टेस्टी है। अच्छा, प्रॉपर जैसे आम पन्ना का फ्लेवर होता है ना, एग्जैक्ट वही टेस्ट आ रहा है। कितने टाइम बाद स्टार्ट कर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, वही टेस्ट सेम है जैसे हमने फर्स्ट टाइम खाया था। और जो नई चीज़ें हमने ट्राई करी हैं जैसे कि बर्गर और काठी रोल, अल्टीमेट टेस्ट है, आना चाहिए लोगों को। हम तो जेन्युइनली बहुत दिल से रिकमेंड करेंगे कि डू इज इट। दोस्तों ट्राई करते हैं इसको, इनका काठी रोल पनीर वाला, ये देखो लोडेड है। बहुत ही अलग सा टेस्ट है इसका, बहुत डिफरेंट सा आ रहा है, जूसी कितना है मैं बता नहीं सकता। और जो बटर डाला है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। काफ़ी ज़्यादा पनीर डाला हुआ है इसके अंदर, पूरा फील आ रहा है पनीर का, एकदम पनीर है, वेजीज़ है ना, सब कुछ एक एक आपके मुँह में आ रही हैं। जो इनकी सॉस है भाई साहब, सोने पर सुहागा वाली बात है, बहुत सही टेस्ट है भाई। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको पक्का ही पसंद आने वाला है, बहुत सही है सही में। जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक्चुअली, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करी हैं, दो तीन जो इन्होंने नए अपने चीज़ें यहाँ पे अपने कार्ट पे लाए हैं, ये बहुत सही।